हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के हो रहे हैं 11 और मैं निकल चुकी हूँ घर से। रेडी होके मैं जा रही हूँ CST। वहाँ से एक स्टेशन पीछे आऊँगी और वहाँ पर है माता रानी, जिनका नाम है बंबा देवी। मैं जा रही हूँ उनके दर्शन के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। वैसे मंदिर जाते समय ना साड़ी पहनना चाहिए या फिर सूट पहनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप तो दर्शन के लिए कुछ भी पहन के जा सकते हो, बट इन दोनों चीज़ों में से मेरे पास कुछ नहीं था, सो मैंने पूरा का पूरा फुल गाउन पहन लिया। स्टेशन तो अभी मैं हूँ टिटवाला स्टेशन पे और यहाँ से पकड़ने वाली हूँ 11:15 का फास्ट लोकल ट्रेन, जो कि मुझे 2 घंटे में छोड़ देगा VT। मैंने रिटर्न टिकट लिया है क्योंकि उधर से आते समय मुझे ढूंढना ना पड़े कि टिकट काउंटर कहाँ है, टिकट निकालूँ ऐसा वैसा, क्योंकि यहाँ से जाऊँगी मैं, दर्शन करूँगी और उसके बाद सीधे घर आना होगा। और जो टिकट का प्राइस है, जाने का 20 आने का 20 यानी 40 रुपये है। तो स्टार्ट करें जर्नी। ट्रेन तो मिल गई है, बट दिक्कत ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन फुल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग में निकल के मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, ऐसा ना हो कि CST तक मैं खड़ी खड़ी जाऊँ, वो भी पूरे 2 घंटे। देखते हैं सीट मिलेगा तो बैठेंगे, लेकिन चांस कम है। सारे लोग सुबह में ऑफिस आते हैं ना जॉब पे, तो इसलिए अभी हूँ मैं मस्जिद स्टेशन पे। मैं टिटवाला से फास्ट ट्रेन लेके चली गई थी VT। VT से मैंने एक स्टेशन पीछे के लिए स्लो ट्रेन पकड़ा और पीछे आई। यहाँ आने का रीज़न बस एक ही है कि यहाँ से जो माता रानी का स्थान है एकदम पास में है, आप चल के जा सकते हैं। अगर आप VT यानी कि CST से जा रहे हैं तो आपको ऑटो टैक्सी वगैरह करना पड़ेगा, तो मैंने यही सोचा और एक स्टेशन पीछे आ गई। तो अभी देखते हैं कि माता रानी का स्थान किस तरफ है, मुझे भी किसी न किसी से पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैं मस्जिद बंदर पहुँच के और वहाँ से वेस्ट में निकली और कुछ दूर चली, मतलब 5 से 10 मिनट चली हूँ, तो मैं पहुँच गई चलते चलते माता रानी के पास। तो अभी चलते हैं माता रानी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने से पहले थोड़ा सा प्रसाद लेना पड़ेगा चढ़ाने के लिए, एंड देखते हैं अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं। अगर कैमरा अलाउ होगा तो मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी माता रानी का, अगर अलाउ नहीं होगा तो मैं आके बाहर बताऊंगी कि माता रानी कैसी है, क्या क्या है यहाँ पे। तो ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होता है। एंट्री होने से पहले चेकिंग होता है, तो अंदर जाने से पहले आप लोग गणपति बप्पा का दर्शन कर लीजिए स्टार्टिंग में ही। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे ना, सामने आपको बप्पा मिल जाएंगे, एंड उसके बाद से यहाँ पर आपको फूल पत्ती माला वगैरह मिल जाएगा, मतलब प्रसाद मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं, वैसे बहुत सारे दुकान होंगे प्रसाद का, जहाँ से मैं प्रसाद खरीदूंगी ना वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि प्रसाद का क्या प्राइस है। गणेश जी का दर्शन करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हनुमान जी। आइए हम आपको हनुमान जी का भी दर्शन करा दें, फिर आगे बढ़ेंगे। जय हनुमान गोसाई, रक्षा करना, गलती सही माफ़ कर देना एंड अपनी कृपा बनाए रखना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है महादेव जी। दोस्तों यहाँ पर स्टैंड बनाया गया है चप्पल जूता वगैरह रखने के लिए, तो आप भी अपना चप्पल यहाँ जमा करा सकते हैं। और एक और उपाय है चप्पल रखने के लिए सुरक्षित, जहाँ से आप प्रसाद खरीदेंगे वहाँ पर भी आप चप्पल रख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जहाँ से प्रसाद लूँ वहीं पर चप्पल रखूँ, क्योंकि यहाँ पर रखो फिर टोकन दो फिर निकालो ऐसा वाला सिस्टम हो जाएगा, और मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं चल रही हूँ यहाँ पर प्रसाद लेने और यहाँ पर चप्पल छोड़ूंगी, फिर आगे घूम घूम के आपको दर्शन कराऊंगी और इस मंदिर के बारे में बताऊंगी। तो कैसे है ये प्रसाद? सिंगार का 130 का है, ये 100 का है। कौन सा 130 का है? 130 सिंगार का। अच्छा, ये सिंगार वाला 130 और ये सब? ये 100। 100, ओके। ये 50। 50 का है। अच्छा, ये सिंगार का जो लेके जाएंगे वो लोग चढ़ाते हैं अंदर माता रानी को? चढ़ जाएंगे। अच्छा, ये चढ़ने के लिए है ना? ओके, तो इस सिंगार में बहुत सारा सामान है, जैसे कि बिंदी है, मंगलसूत्र है, चूड़ी है, पैसे भी हैं, सिंदूर भी है, कंघी भी है, ये सब तो अंदर ही रह जाता होगा ना? हाँ। ये सिर्फ प्रसाद आते हैं ना? ओके,
तो मैं सोच रही हूँ कि एक सिंगार वाली थाली ले लूँ, क्योंकि माता रानी है तो उनको सिंगार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। सो मैं एक थाली यहाँ से ले रही हूँ 130 वाली, फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा एंड काफ़ी बड़ा शंख रखा गया है। मुझे ना ये चीज़ खींच रहा था अपने तरफ, एंड वैसे भी मंदिर में आने के बाद से पॉजिटिविटी आ ही जाती है। ये जो मंदिर है बहुत ही प्यारा है, एंड माता रानी अंदर है, उनके पास हम जाएंगे पूजा की थाली लेकर। और यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, मैंने आपको पहले भी बोला, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि दूर से जूम मार के एक फ़ोटो ले लूँ। हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही दूर से यानी कि यहाँ खड़ी होकर माता रानी हमारे सामने है, जूम मार के फ़ोटो लिया। पता है क्यों? सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो मैं चाह रही थी कि वो लोग घर बैठे बैठे दर्शन कर लें। ये गलत किया मैंने, आई नो, बट आप लोग के लिए किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा की थाली लेने और आराम से अंदर से शांति मन से माता रानी से प्रेयर करने, और जो भी मेरी दिल की इच्छा है मैं जा रही हूँ माता रानी से मांगने। अगर आप लोग को भी कुछ चाहिए तो माता रानी से मांग सकते हैं। आप सुनिए ना, मंदिर कब खुलता है? सुबह में 6:30 बजे, और बंद होने का समय रात के 9 बजे ना। ओके, तो फाइनली दोस्तों मेरा दर्शन हो गया, बहुत ही प्यार से दर्शन हुआ, और मेरे अंदर जो कुछ भी था दुख दर्द मैंने माँ को सुनाया बताया, और मैंने माँ को बोला कि जो भी इच्छाएं पूरी करना, और साथ ही साथ जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उन सब पे आप अपनी कृपा बनाए रखना, रक्षा करना। दोस्तों ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना है, 400 साल पहले की है माता रानी, और ये जो मुंबा देवी है इन्हीं के नाम पे मुंबई पड़ा। आप यहाँ काफी दिनों से होंगे? 30 साल से ना। ओके, तो आप कुछ बताइए ना माता रानी के बारे में जो आप जानते हो, शायद मैं नहीं जानती हूँ। 300 साल पुराना मंदिर है। 300 साल, मारीच की देवी है। हाँ, मारीच जो पूछते थे। हाँ, उनकी देवी है। अच्छा अच्छा, ओके। और मैंने सुना है कि इनकी स्थापना किसी मछुआरे ने की थी। हाँ, ये बात सही है? हाँ, क्या स्टोरी है ये? मछुआरे लोग जो है वहाँ बीटी से उठा के लाए यहाँ, बीटी में पूजा करते थे। अच्छा, माता रानी को फिरा के यहाँ। अच्छा, तब से माता रानी यहीं पे हैं। तो वैसे मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा फेमस है माता रानी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, और इन्हीं के नाम पे क्या? मुंबई इन्हीं के नाम पे, माता रानी के नाम पे ऐसे मुंबई पड़ा। मुंबई इन्हीं के। ओके, थैंक यू। ये जो प्रसाद है ये चढ़ चुका है, अभी मैं जा रही हूँ इसको पैक करवाने, पैक करवा के मैं घर लेके निकलूंगी। तो फाइनली मैंने प्रसाद पैक करवा लिया और एक सिंदूर का डब्बा लिया बाहर से, क्योंकि जो मैंने सिंदूर लिया था वो माता रानी को चढ़ गया, तो यहाँ से एक सिंदूर ले लिया। मम्मी ने बोला था कि सिंदूर लेके आना। मंदिर से दर्शन करने के बाद से मैं निकल गई हूँ स्टेशन के लिए, और मैंने लिया है टैक्सी। पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पैर में छाले पड़ गए हैं और मेरा गला सूख रहा है। मैंने घर पे कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पिया, ये सोच, और अभी ना बिल्कुल भी हालत नहीं है। बस अच्छी चीज़ ये है कि दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया है, तो मैं अभी स्टेशन पहुँचती हूँ, वहाँ से गाड़ी लेती हूँ एंड देन निकलती हूँ। मुझे ट्रेन मिल गई है, और ये जो ट्रेन है पूरे 2 से 2.5 घंटा लेगी मुझे मेरे घर तक छोड़ने में, और यहाँ पर मुझे स्लो ट्रेन मिली। ये जो स्टेशन है छोटा स्टेशन, यहाँ पे स्लो ट्रेन ही रुकती है, तो मैंने सोचा कि स्लो ही ले लेते हैं, अभी क्या करेंगे। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, आगे उतर के चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन ये जो ट्रेन है ये है आसनगाँव शायद, हाँ आसनगाँव है, तो मैंने सोचा कि यही ले लेते हैं, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। माना कि 10-15 मिनट आधे घंटे ज़्यादा लगेगा, बैठ लेंगे, क्या करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक है? कोका कोला या थम्सअप? कोई एक भी नहीं है? ओके, मुझे बहुत तेज का प्यास लग रहा है और पानी पीने का मूड नहीं हो रहा है, मेरे को चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, जबकि ये चीज़ ख़राब होता है, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, आगे देखती हूँ सामने मिल जाएगा तो एक कोका कोला थम्सअप जो ही मिले लेके मैं ऑर्डर लूँगी। और बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ, मम्मी बार बार फ़ोन कर रही है कि कब आएगी। मैं पूरा का पूरा स्टेशन घूम दी लेकिन कहीं भी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला। आज प्यास लग रही है, मूड हो रहा है कोल्ड ड्रिंक का, तो मिल नहीं रहा है, बहुत इसका प्यास लगा है, और गलती मेरी भी है, मुझे पानी लेके निकलना चाहिए, मैं कहीं भी बिना पानी के निकल जाती हूँ। अभी इवनिंग के हो रहे हैं 6:30 और मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। शिट, ओ गॉड,
मेरी मम्मी का फ़ोन गिर गया, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया। वैसे मुझे इस फ़ोन को बनवाना है, इसी फ़ोन को बनवाने के लिए मैं मार्केट निकली हूँ। और एक और काम है, माँ का मंगलसूत्र बनवाना है, सासू माँ का। पूरा का पूरा मार्केट घूमा एक फ़ोन के लिए, लेकिन जो फ़ोन है वो बनने के लिए तैयार नहीं। सब बोल रहे हैं कि इसका, सब यही बोल रहे हैं कि ये जो फ़ोन है काफ़ी पुराना है, अगर आपको चेंज करवाना है टच तो वो डिस्प्ले के साथ ही होगा और उसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, मम्मी ऐसे ही यूज करेगी जैसा है, जितना दिन चलेगा उतना दिन चलेगा, बाद में हम नया फ़ोन दिला देंगे। और एक और चीज़, मैंने इसकी कवर की बात की तो यहाँ पे कवर नहीं मिल रहा, मतलब पूरे टिटवाला में कवर ही नहीं मिल रहा है। तो ये रहा मेरी सासू माँ का मंगलसूत्र और मुझे सेम ऐसा ही गुथवाना है। ये जो धागा है ना टूट रहा था, वो जो उक्सी है ना उसके वजह से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा गुथवा देंगे और जो पीछे का रहेगा ना ऐसा बनवा देंगे। और जो गुथाई है इन्होंने 60 रुपये बोला है, बट हम कुछ कम करवाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। अच्छा है ये वाला मंगलसूत्र, काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड वाला। कितने का है ये वाला? 150। ओके। एंड ईयर रिंग्स वगैरह भी होते हैं क्या उनके सेट का? बड़े वाले में। अच्छा बड़े वाले में ना, ओके। और यहाँ पे गुथाई चालू हो गया है, जब गुथाई हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस बार इस टाइप का लग गया है ताकि टूटेगा नहीं जल्दी। और थोड़ा सा ढीला रखा है इन्होंने बोल के मुझे कि देखो मैडम थोड़ा सा ढीला है, बाद में ये कम होगा। तो सही है, मैं चल रही हूँ पेमेंट करके यहाँ से निकलने। वैसे काफ़ी समय से मैं मार्केट में घूम रही हूँ और मैंने मार्केट से ना 2-3 ईयर रिंग्स लिए हैं। एक ये वाला है, ये जो ईयर रिंग्स है ना ये मोती वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टॉप वगैरह पर मैं इसको पहनती हूँ। इसमें ना 3-4 साइज है, तो इस टाइप के मैंने 2 ले लिए हैं क्योंकि इसकी जो तली है ना वो बार बार गिर जाते हैं। और इन सब के बाद मैंने एक और इयर रिंग्स लिया, एकदम छोटा सा सिल्वर सा, ताकि ये पूरे कान में सटा रहेगा, मैं ऑफिस वगैरह यूज में इसको ला सकती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, आप लोगों से मिलती हूँ कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय सारंगी।